देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। इंदौर में डोल ग्यारस पर्व हर्षोल्लास व आस्था के साथ मनाया गया। डोल ग्यारस पर्व पर शनिवार 14 सितंबर को शहर के विभिन्न स्थानों से फूलों से सजे भगवान राधा कृष्ण के डोल भक्तों को दर्शन देने निकले। इंदौर में 100 से अधिक डोल जुलूस व चल समारोह निकले। अनंत चतुर्दशी के पूर्व इंदौर के परंपरागत अनंत चतुर्दशी चल समारोह की झलक दिखाते हुए एक बार फिर शहर की सड़कों पर डोल ग्यारस पर झिलमिलाती झांकियां निकली। ढोल झांझ मजीरे और घंटे घड़ियाल की ध्वनि के साथ भगवान कृष्ण के डोल शहर में विभिन्न स्थानों से निकाले गए। बग्गी में भगवान के विग्रह को विराजित कर जब मंदिरों से बाहर लाया गया तो भक्तों ने अपने भगवान के दर्शन किया और पूजा अर्चना भी की। डोल में भगवान के विग्रह के अलावा राधा कृष्ण बने बच्चे भी बग्गी में सभी के आकर्षण का केंद्र थे। सूर्यास्त के पूर्व से ही शहर में डोल निकालने का सिलसिला शुरू हो गया था। डोल के आगे करतब दिखाते अखाड़े और पीछे भक्तों की टोलियां चल रही थी। भजनों की धुन उत्सवी बेला को और भी खास बना रही थी। श्री लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा परंपरागत और प्राचीन पद्धति से भव्य चल समारोह एवं डोल निकाला गया। 130 वर्ष पुराना रथ जिस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा को विराजमान करके शहर में भ्रमण कराया जाता है और जगह जगह सभी समाज की माता बहनें डोल की ओर भगवान की पूजा करती है। डोल के साथ में लोधी पंच व्यायामशाला का भव्य अखाड़ा चलता है। अखाड़े में लोधी पंचराम सला के छोटे छोटे बाल कलाकारों के द्वारा शस्त्र कला का प्रदर्शन करते हैं। परंपरा का आज भी निर्वहन किया जा रहा है। लोधी समाज के अध्यक्ष संतोष वर्मा ने बताया कि हमारे इस भव्य चल समारोह में इस वर्ष भी समाज की माता बहनें वरिष्ठ जन युवा साथी बहुत बड़ी संख्या में आए और डोल के साथ चले। इसके पूर्व डोल शुभारंभ का कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथि गणों का स्वागत साफा बांधकर दुपट्टा पहनाकर किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं समाज सेवी रमेश यादव उस्ताद, कांग्रेस नेता गजेंद्र वर्मा, राजेश यादव सहित बड़ी संख्या में लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ जन मुख्य रूप से उपस्थित थे। जो भव्य डोल बहुत प्राचीन डोल है और बहुत ही पारंपरिक तरीके से हम निकालते हैं और हमारी लोधी समाज की शान है डोल और लोधी क्षत्रिय समाज का जो डोल है हमारे सभी वरिष्ठ जन सभी युवा साथी माता बहनें बहुत बड़ी संख्या में आती हैं और भव्य डोल में शामिल होकर समाज की जो शान बढ़ाते हैं सभी लोग। और हमारे जो लोधी क्षत्रिय समाज व्यायामशाला के बाल कलाकार हैं उनके द्वारा शस्त्र कला का प्रदर्शन कराया जाता है और डोल के एक दो महीने पहले से शस्त्र कला का प्रशिक्षण हमारे उस्ताद देवी सिंह पवार, सूरज चौधरी जी, खलीफा घासीराम जी जरिया, खलीफा राधे पवार जी, सूरज चौधरी जी, सूरज जरिया जी के द्वारा सिखाया जाता है। और इस आज महान इस पर्व पर समाज के पूरा हमारा लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज का समाज एकत्र होगा और यहाँ पर पूजन की जाएगा डोल पूजन की जाएगी डोल की। और सभी क्या क्या खासियत रहेगी डोल ग्यारस का? देखिए डोल में खासियत ये है कि 150 साल पुराना हमारा रथ है और इस रथ में भगवान श्री कृष्ण को विराजमान कर भ्रमण कराया जाएगा और छोटे छोटे बाल कलाकार हमारे इस डोल के साथ चलेंगे। अखाड़े के सभी बाल कलाकार शस्त्र कला का प्रदर्शन करेंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और समाज की एक शान है और ये बहुत ही प्राचीन परंपरा वर्षों से चलती आ रही है उसको हम निर्वाह कर रहे हैं प्रबंध कार्यकारिणी के लोग। ये कहाँ से कहाँ तक डोल निकलता है? ये हमारा लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज चमनबाग चौराहे मांगलिक भवन से लेकर आप हरसिद्धि पर इसका समापन होगा और बीच बीच में जहाँ जितने भी मंच जाएंगे सभी हमारे बाल कलाकार शस्त्र का प्रदर्शन करेंगे शस्त्र कला का और सभी अपने जाति बंधु जितने भी हमारे आएंगे वो सभी मिलेंगे और हमारे समाज का संगठन और नेतृत्व मजबूत होगा।
महीना से लोग राजपूत क्षत्रिय समाज मांगलिक भवन और चिमन बाग चौराहा पर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं माल गोपाल बच्चों को बड़ों को, और ये काफ़ी पुरानी परंपरा है हमारी जो हम बड़े बड़ों के आशीर्वाद से आगे लेके चल रहे हैं। ढोल पर्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जुलूस को लेकर? ढोल बरसों से निकलता है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसको बनाया है, ये लकड़ी से बना हुआ है और इसको हम साल भर सुरक्षित रखते हैं। समाज के एक बहुत बड़े इसके लिए योगदान है हमारे बुजुर्गों का, और उसको आगे बढ़ाते हुए भाई संतोष वर्मा जी निरंतर समाज में प्रगति के काम कर रहे हैं और आगे भी हम ऐसे रचनात्मक काम करते रहेंगे। समाज का ये जो जुलूस निकलता है, पूरा ढोल में जो अखाड़ा निकलता है, इन दोनों में कोई सा अखाड़ा नहीं निकलता। हमारा संतोष भाई का मैं आज 20 साल से देख रहा हूँ, दूसरे समाज की जो सेवा है, दूसरे समाज के प्रति जो इनकी निष्ठा है, सारे लोग इनको दिल से चाहते हैं। मैं भी 10 प्रोग्राम छोड़ के यहाँ भाग के आया हूँ, क्योंकि हाँ ढोल यार की आप सबको शुभकामना। समाज द्वारा जो ढोल निकाला जाता है भारतीय संस्कृति की धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक दिन ढोल निकलता, पूरे हर पूरे साल भर बच्चों को सत्य कला का भी ज्ञान दिया जाता है। स्वस्थ राष्ट्र मजबूत युवा और मजबूत भारत की कल्पना को साकार कर रहा है लोधी समाज, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे साल भर लोधी समाज इस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहता है और युवाओं को मजबूत करने का कार्य कर रहा है, ये सराहनीय है। इसीलिए संतोष वर्मा जी लोधी समाज के अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।